गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास जो वीडियो बनाया था उसमें हम लोग फ्यूचर सिंपल फ्यूचर तक हम लोग कंप्लीट किए थे। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख रखा है एन एक्शन विच विल बी गोइंग ऑन इट सम टाइम इन फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कोई भी काम जो आने वाले समय में किसी एक निश्चित समय में शुरू रहेगा, जारी रहेगा, उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस कहेंगे। अब देखिए इसकी आइडेंटिटी, दैट मीन्स हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटेंस दैट इज बिलोंग टू फ्यूचर कंटिन्यूअस और नॉट। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लिखी हुई है, अ सेंटेंस हैविंग शैल या विल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप जानते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स क्या होता है, मतलब वर्ब में जब आईएनजी लगा होता है तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का आता है। यानी कि कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो उसमें शैल या विल लगा हो, दोनों में से कोई एक लगा हो, फिर बी लगा हो और वर्ब साथ में आईएनजी लगा हो, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, तो वो सेंटेंस यानी कि वो इंग्लिश सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा। हिंदी की बात करें तो आप हिंदी भी देख सकते हैं यहाँ पे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा या रहेगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये हिंदी सेंटेंसेस के लिए है। मतलब कोई भी हिंदी का वाक्य है, कोई भी हिंदी का सेंटेंस है और उसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब लगा होगा, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस से बिलोंग करता है। अब उसके अनुसार हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि वो सेंटेंस जो है वो कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव का येस नो है या डब्ल्यू एच है। फिर उसके आधार पर हम लोग जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लिखे जा रहे हैं उसके आधार पर आप उसको बनाएंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे। आप जानते हैं स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम अफर्मेटिव का आपको स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जांपल देख लेते हैं, हो जाएगा आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता रहूँगा या रहूँगा, ठीक है ना। फिर निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, सिर्फ उसमें नॉट जो है स्ट्रक्चर में इसमें नॉट ऐड हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी फोर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग, तो हो जाएगा दे विल नॉट बी गोइंग टू देयर स्कूल, वे लोग अपने विद्यालय को नहीं जाते रहेंगे या जाते रहे होंगे। और जो थर्ड है यानी कि इंट्रोगेटिव, तो आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में ऑलरेडी हमने इसको दो भागों में बांटा है। एक पहला जो इंट्रोगेटिव टाइप है वो है येस नो टाइप। अब देखो ये येस नो टाइप जो है आप जानते हैं, येस नो टाइप ऐसा होता है कि यदि कोई प्रश्न हो, यदि कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग सिर्फ येस और नो में ही इसका जवाब दे सकते हैं और एक कंप्लीट जवाब वो हो सकता है, रिप्लाई हो सकता है, तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं येस नो टाइप क्वेश्चन। ये जनरली जो इसका स्टार्टिंग होता है इंग्लिश की बात करें तो इसमें हमेशा एक्चुअली वर्ब जो होता है वो आगे होता है। आप जानते हैं जैसे हम यहाँ देखेंगे शैल या विल
प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। देखिए क्वेश्चन मार्क जो है ये जरूर रहना चाहिए क्योंकि ये इंटरोगेटिव का आइडेंटिफिकेशन है, एक मार्क है, इसे पहचाना जाता है कि ये सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव से बिलोंग करता है। एग्जाम्पल तो देखेंगे सेल आई बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मैं एक गीत गाता हुआ रहूँगा या गाता रहूँगा या गाऊँगा। यहाँ पे एक डब्ल्यू एच का जगह नहीं है इसलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर यहाँ पे डब्ल्यू मेंशन करेंगे। तो हमारा सेकंड जो है इंटरोगेटिव का वो है डब्ल्यू एच टाइप। तो देखिए डब्ल्यू एच टाइप क्या है, मतलब वैसे क्वेश्चंस जिसका हम लोग जवाब हाँ और ना में देंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, उसका आंसर वो कंप्लीट नहीं होगा। और इसका आंसर जो है हमेशा दो वर्ड या एक सेंटेंस का यूज़ करना होता है, और इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो W और H से बने हुए वर्ड से स्टार्टिंग होती है। ये W H फैमिली है, इसमें 9 वर्ड्स होते हैं, सॉरी 8 होते हैं, तो उससे लेकर के इसका स्टार्टिंग करते हैं। स्ट्रक्चर में भी हम देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग W और H वाले वर्ड को लिखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सेल या विल, फिर जो सब्जेक्ट है उसको डाल देंगे, फिर बी और फिर फोर्थ ऑफ द फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एग्जांपल में हो जाएगा व्हाई विल यू बी डांसिंग, why will you be dancing, तुम नाचते हुए क्यों रहोगे या नाचते क्यों रहोगे। तो ये हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम लोग इसमें का जो दो बाकी है वो आज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।